हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसे सिस्टमेटिक वे से काम करता है और क्या क्या इसमें प्रोसेस रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक देख पा रहे हैं, ये है आपका एक सोर्स, नेचुरल सोर्स, इसको हम कह रहे हैं सोर्स। अब ये है आपका मोटर, मोटर के थ्रू आपका वाटर पंप करके इस वाटर को भेज रहे हैं एक प्राइमरी रिजर्वर में। प्राइमरी रिजर्वर में भेज रहे हैं। अब कभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपका सोर्स से दूर भी हो सकता है, उसके लिए आपको पाइप के थ्रू भेजना बहुत मुश्किल है, इसलिए उस केस में आपको ओपन चैनल के थ्रू भेजना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये है आपका प्राइमरी रिजर्वर। प्राइमरी रिजर्वर में ये है एक मैकेनिज्म, देख पा रहे हैं, ये है मोटर के साथ आपका पुली लगा हुआ है और इसके साथ एक बेल्ट कनेक्ट किया हुआ है। अब इसमें जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स है, मान लीजिए कि कोई कैन है या कुछ फ्लोटिंग पार्टिकल्स है, इस फ्लोटिंग पार्टिकल्स ये घूम रहा है ऐसे, और जैसे घूमेगा इसके साथ इस फ्लोटिंग पार्टिकल रिमूव होता जाएगा, फ्लोटिंग पार्टिकल आपका ये रिमूव कर देगा। मतलब एक मैकेनिकल स्क्रीनिंग हो रहा है इधर। इसके बाद जो वाटर है फिर से आपका पंप हो रहा है, पंप के थ्रू देखिए एक सिस्टम है, इसको हम कहते हैं कैस्केड एयरेटर। इस कैस्केड एयरेटर के थ्रू आपका देखिए पानी ऐसे बाहर आ रहा है। अब जो सोर्स से जो पानी है इसमें आपका ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, इसलिए इस पानी में आपको ऑक्सीजन मिक्स करना पड़ेगा एटमोस्फियर से। अब इस कैस्केड एयरेटर के थ्रू जैसे ही पानी बाहर आएगा और ये एटमोस्फियर के जो ऑक्सीजन है, एटमोस्फियर के ऑक्सीजन के साथ ये मिक्स होगा और इसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल को ये धीरे धीरे बढ़ाएगा। उसके बाद डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ जाने के बाद जो वाटर है इसको हम पंप के थ्रू भेजते हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में हम भेजते हैं। इस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में देखिए वाटर धीरे धीरे आ रहा है और वाटर जैसे आगे बढ़ रहा है, अब इसमें कुछ स्मॉल स्मॉल आपका पार्टिकल होगा, डिफरेंट साइज का पार्टिकल होगा। इस पार्टिकल अब इसमें जो वाटर का जो वेलोसिटी है बहुत ही घट जाता है, इसलिए ये जो पार्टिकल है धीरे धीरे इस टैंक के बेस में आपका सेटल होता है, धीरे धीरे पार्टिकल सेटल होता है और सेटल जो पार्टिकल है वो टैंक के नीचे से बाहर आ जाता है, नीचे के हिस्से से बाहर आ जाता है और जो क्लियर वाटर है वो आगे बढ़ता है। अब आगे बढ़ने के बाद ये आपका पाइप के थ्रू आता है, एक सिस्टम में आता है, इस सिस्टम को हम कहते हैं फ्लैश मिक्सर। अब जो वाटर निकला है इसमें जो पार्टिकल्स है, बड़ा जो पार्टिकल्स है वो तो रिमूव हो गया है। इसके बाद इसमें इस वाटर में कोलोइड्स भी होगा और
कुछ स्मॉल पार्टिकल्स भी इसमें रिमेनिंग रहेगा। इस कोलोइड्स को रिमूव करने के लिए हमको इसमें कोआगुलेंट डालना पड़ेगा। जैसे इसमें इधर वाटर भर जाता है, इसके बाद हम इसमें बाहर से कोआगुलेंट डालते हैं। अब कोआगुलेंट डालने के बाद देखिए, इधर एक मोटर है, इस मोटर के साथ एक रोटर लगा हुआ है। ये रोटर कुछ फैन की तरह है, जैसे हम लोगों का रूम में जैसे सीलिंग फैन रहता है, कुछ उस तरीके का है। इस रोटर घूमता है और इसमें जो कोआगुलेंट है ये आपका मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, और कोआगुलेंट वाटर के साथ मिक्स होता है और वाटर में जो स्मॉल स्मॉल कोलोइड्स है, कोलोइड्स पार्टिकल के साथ मिक्स होके बड़ा पार्टिकल बनाता है, जिसलिए इसका वेट बढ़ जाता है। अब इसको हम देखिए सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, इसको हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेजते हैं। अब सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में फिर से प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जैसा हुआ था, इधर भी सेम काम होगा। जो पार्टिकल्स है वाटर का, जो वाटर में जो कोआगुलेंट मिक्स करने के बाद जो बड़ा पार्टिकल बना है वो आपका सेटलिंग चेम्बर के नीचे से बाहर आ जाएगा और जो फ्रेश वाटर है वो आगे बढ़ता जाएगा। अब इस फ्रेश वाटर आगे जाने के बाद इधर देखिए, इस वाटर को फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। और भी कुछ स्मॉल पार्टिकल अगर रह गया है तो उसको निकालने के लिए आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये देखिए आपका फिल्टर है, ग्रेविटी फिल्टर। इस फिल्टर में देखिए नीचे बड़ा पार्टिकल्स है और ऊपर छोटा छोटा पार्टिकल्स है। इस बड़ा पार्टिकल को ग्रेवल भी हम कह सकते हैं, और ऊपर सैंड या चारकोल, दिस टाइप का स्मॉल स्मॉल पार्टिकल रहता है। नीचे जो रहता है ग्रेवल, इसको हम कहते हैं सपोर्टिंग मटेरियल, और ये है सैंड जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कह रहे हैं फिल्टर मीडिया, और दिस पार्ट इसको हम कह रहे हैं सपोर्टिंग मीडिया। अब जैसे ही वाटर निकलेगा, इधर से वाटर आएगा, पानी जैसे ही इधर आ रहा है, पानी देखिए इस फिल्टर मीडिया के थ्रू अंदर आएगा, फिल्टर मीडिया के थ्रू, और इसमें जो बैक्टीरिया और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल है, कलर ऑर्डर है, वो आपका रिमूव हो जाएगा और फिल्टर के नीचे से बाहर आ जाएगा। अब वाटर देखिए, इसके बाद इस वाटर को हम भेजते हैं क्लोरीनेशन के लिए। क्लोरीनेशन के लिए इस वाटर को हम भेजते हैं। अब इस टैंक, इस वाटर के साथ सफिशियंट अमाउंट ऑफ क्लोरीन मिक्स करते हैं, जैसे कि इसमें रेसिडुअल क्लोरीन रहे और इसमें जो बैक्टीरिया है या कुछ फंगस है इसको और पैथोजेंस है इसको रिमूव कर दिया जाए, इसलिए इसके साथ हम लोग क्लोरीन मिक्स करते हैं। जब क्लोरीन मिक्स हो जाता है, इस वाटर बाहर निकल आता है और इस वाटर को हम पंप के थ्रू, देखिए पंप के थ्रू हम ओवरहेड रिजर्वर में भेज रहे हैं। यह है आपका ओवरहेड रिजर्वर, ओवरहेड रिजर्वर के में हम भेज रहे हैं, और उसके बाद इस वाटर को हम भेज रहे हैं हाउस में, हर एक घर में हम भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करता है। अब मैंने कैसे टोटल ये सिस्टम काम कर रहा है बताया है। अब जो जो स्मॉल स्मॉल पार्ट है उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।